Good morning, dear students. In today's class, we will study lesson 10. This is a story. The story name is Circle. So let's come and enjoy this story. Listen, read and draw. You have to listen this story. आपको ये story सुननी है, पढ़नी है और फिर drawing भी करनी है, ठीक है? One day, Mohini was sitting with her grandmother. एक दिन जो है, मोहिनी अपनी दादी माँ के साथ बैठी हुई थी, ठीक है? Grandmother drew a circle. Grandmother जो है, वो अपनी drawing copy पे, यानी मोहिनी की जो दादी माँ है, वो अपनी drawing copy पर एक circle बनाती है, ठीक है? Can you draw a circle, मोहिनी? तो वो मोहिनी से भी पूछती है, उसकी दादी माँ मोहिनी से पूछती है कि क्या तुम भी एक सर्किल बना सकती हो. सर्किल का मतलब होता है गोलाकार, ठीक है, गोला बना सकती हो. वो पूछती है मोहिनी से, तो मोहिनी कहती है यस आई कैन. सुन मोहिनी ड्रू ए सर्किल. मोहिनी बोलती है कि हाँ मैं बना सकती हूँ. और उसके बाद जो है मोहिनी अपने ड्राइंग कॉपी पे भी एक सर्किल बनाती है, ठीक है. उसके बाद है नाउ आई विल ड्रॉ ए बॉल. तो उसकी दादी माँ बोलती है कि अब मैं एक बॉल बनाऊंगी, ठीक है. ग्रैंड मदर ड्रू थ्री लाइन्स ऑन द सर्किल. और उस सर्किल पे जो ग्रैंड मदर जो है उसकी दादी माँ तीन लाइन्स बनाती है. ड्रू थ्री लाइन्स ऑन द सर्किल. मोहिनी ड्रू थ्री लाइन्स ऑन हर सर्किल. फिर मोहिनी भी जो है अपने सर्किल पे तीन लाइन्स बनाती है. इट रियली लुक्ड लाइक ए बॉल. और वो बिल्कुल बॉल की तरह दिखने लगता है वो सर्किल, ठीक है, वो सर्किल से बॉल बन जाता है. उसके बाद नाउ लेट्स ड्रॉ ए बैलून. और उसके बाद उसकी दादी माँ बोलती है चलो इस सर्किल से हम लोग बैलून बनाते हैं. ग्रैंड मदर एडेड ए जिग जैक लाइन टू द सर्किल. एक जिग जैक लाइन ऐड करती है उस सर्किल में. और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है. ओह इट रियली लुक्स लाइक ए बैलून. उसके बाद मोहिनी बोलती है जो हाँ ये तो बिल्कुल बैलून की तरह दिख रहा है. उसकी दादी माँ जब उस बैलून में जिग जैक लाइन ऐड करती है तो वो बैलून बन जाता है. उस पहले वो बॉल बनाती है, फिर बॉल में जिग जैक लाइन ऐड करने के बाद बैलून बनाती है. मोहिनी क्लैप्ड विद द जॉय. बैलून को देखकर तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, तो मोहिनी भी खुशी के मारे तालियां बजाने लगती है, ठीक है. उसके बाद मोहिनी ड्रू मेनी सर्किल्स. मोहिनी जो है उसके बाद जब उसकी दादी माँ ने उसे सर्किल बनाना सिखाया, फिर सर्किल से बॉल बनाना सिखाया, फिर बॉल से बैलून बनाना सिखाया, तो उसके बाद जो है मोहिनी ने बहुत सारे सर्किल्स बनाने लगे. बिग एंड स्मॉल सर्किल्स, बड़े और छोटे थे सभी तरह के सर्किल्स उसने बनाए. रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्किल्स, लाल ब्लू हरा पीला सभी तरह के सर्किल्स बनाए. सी ऑल्सो एडेड जिग जैक लाइन्स टू दीज. और उसने सभी सर्किल्स में जिग जैक लाइन्स भी ऐड किए. इस तरह से आप देख रहे हैं इस फिगर में कि मोहिनी ने कितने सारे सर्किल्स ड्रॉ किए और उसको फिर बैलून बनाया, बैलून के जैसा बनाया जिग जैक लाइन ऐड करके, ठीक है, और उसमें कलर भी भरे. उसके बाद है नाउ देयर वेयर मेनी बैलून्स. और अब जो है यहाँ पर बहुत सारे बैलून्स हैं. कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विथ अ सर्किल. क्या आप सर्किल से कुछ और भी बना सकते हैं. आस्क्ड ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी दादी माँ जो है मोहिनी से पूछती है कि क्या तुम इस सर्किल से कुछ और भी बना सकती हो. तो यहाँ पे हमने सर्किल से क्या सब बनाया, पहले हमने बॉल बनाया, फिर बैलून बनाया, ठीक है. तब उसकी दादी माँ पूछ रही है कि उसके अलावा हम लोग क्या बना सकते हैं. यस सेड मोहिनी. मोहिनी कहती है हाँ बना सकते हैं. सी ड्रू ए व्हील. उसके बाद वो एक पहिया बनाती है. ए मून, चांद बनाती है. ए सन, सूरज बनाती है. ए रैबिट, सर्किल का यूज़ करके वो रैबिट भी बनाती है. रैबिट का मतलब होता है खरगोश. एंड हर ओन फेस. और उसके बाद सर्किल का ही यूज़ करके वो अपना फेस भी बनाती है अपनी ड्राइंग कॉपी पे, ठीक है. तो ये जो स्टोरी थी वो मनोरमा जाफा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है. और उसके बाद जो है इसके न्यू वर्ड्स हैं. तो इसमें पहला न्यू वर्ड है बॉल. बॉल का मतलब होता है गेंद. फिर है ब्लू. ब्लू का मतलब नीला. फिर है सर्किल. सर्किल का मतलब होता है गोलाकार. और उसके बाद है लाइंस. लाइंस का मतलब होता है रेखाएं. और फिर मून. मून का मतलब चांद. और इसमें दो सेंटेंसेस हैं. आइए हम लोग सेंटेंसेस भी देखते हैं इसके. लेट्स रीड. आई कैन ड्रॉ ए सर्किल. मैं एक सर्किल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ठीक है. उसके बाद है द मून इज राउंड. चांद जो है वो गोल है. द मून इज राउंड. चांद गोल है. ये दो सेंटेंसेस थे यहाँ पे. और इस तरह से आपका जो ये लेसन है सर्किल, इसका आज मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको. और इस चैप्टर को आप घर पे रीड आउट करेंगे.
ठीक है। और आप बहुत सारे सर्कल्स भी बनाएंगे, बैलून्स भी बनाएंगे अपनी ड्राइंग कॉपी पे। और इसके जो न्यू वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे हम लोग। टिल देन आप इस अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।